ग्रुप सी भर्ती में उम्मीदवारों को अब एक और महीना करना होगा इंतज़ार। हाईकोर्ट ने ऑर्डर में प्रोसेसिंग फीस जमा नहीं कराने का किया जिक्र। अगली सुनवाई 3 अक्टूबर को होगी। भर्तियां लटकी, जब तक अदालत नहीं कहेगी किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं लिया जाएगा। दोस्तों उलझता जा रहा है ग्रुप सी पदों की भर्ती का मामला। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से प्रकाशित ग्रुप सी के लगभग 32,000 पदों की भर्ती का मामला उलझता जा रहा है। ग्रुप सी के सीईटी स्कोर में एनटी की तरफ से लिए पेपर के अंक और हरियाणा सरकार की तरफ से सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक शामिल हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक या तो परिवार पहचान पत्र के आधार पर मिले हैं या उम्मीदवारों की तरफ से सर्टिफिकेट अपलोड करने के आधार पर किए दावे के अनुसार मिल रहे हैं। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर ही सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। सरकारी नौकरी परिवार में न होने के अंक मिलते हैं तो विधवा होने के, उम्मीदवार के अनाथ होने के, पिता की समय से पहले मृत्यु होने और सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में कई अस्थायी नौकरी के अनुभव के अंक मिलते हैं। कुल 3,59,000 उम्मीदवार सीईटी पास हुए हैं। इनमें से लगभग 1,00,000 ने सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक लेने का दावा नहीं किया है। बचे 2,59,000 उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों का दावा सही या गलत है, इसका पता लगाने के लिए वेरिफिकेशन हो सकती थी। सिंगल बेंच की खंडपीठ ने निर्देश दिए हैं कि पहले वेरिफिकेशन हो, उसके बाद सीईटी स्कोर की संशोधित सूची जारी हो। मगर एचएसएससी यह वेरिफिकेशन नहीं कराना चाहता है। अब आयोग के पास 1 महीना है। अगर आयोग चाहे तो यह वेरिफिकेशन करा सकता है ताकि अगली सुनवाई तक, वेरिफिकेशन के बाद अगर सीईटी स्कोर में बदलाव होता है तो इसका रिजल्ट तैयार हो सके। जब तक अदालत ने से अनुमति नहीं मिलती तब तक किसी भी ग्रुप का पेपर नहीं हो सकता।